समाज से। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। 14 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण बीघा गांव पहुंचे थे। इस दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण बीघा में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की वो समस्याओं को सुन रहे थे। इसी बीच अपनी बात लेकर वहां पर 11 साल का सोनू कुमार भी पहुंच गया, जिसने सीएम साहब के सामने कई पोल खोल दिए। सबसे पहले उसने बिहार में शराबबंदी की पोल खोली और उसके बाद उसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल दी, जिसके बाद से सोनू वायरल हो गया। तो ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसने हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। भैया सर पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। अब देखिए कब क्या। यस सर, दरअसल बच्चे ने सीएम नीतीश कुमार के सामने शिक्षा की पोल खोल कर रख दी और कहा कि सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, उसे बेहतर शिक्षा चाहिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। और सोनू की मांग नालंदा से मुंबई तक पहुंच गई है। बड़े बड़े लोग सोनू की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद सिंगर विशाल ददलानी ने भी ट्विटर अकाउंट से बच्चे की डिटेल्स मांगी है। अपने पोस्ट में कहा है कि इसकी शिक्षा के लिए वो बेहतर व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा गौहर खान ने भी बच्चे की जानकारी मांगी है। गौहर खान ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि वो सोनू की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सोनू एक उज्जवल और होनहार बच्चा है जिसके पास एक विजन है। ऐसे अद्भुत बच्चे हमारे भविष्य हैं। हम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। गौहर खान ने सोनू से संपर्क करने के लिए लोगों से ट्विटर के जरिए डिटेल्स भी मांगी है। बस इतना ही नहीं, पूजा भट्ट ने भी आगे बढ़कर सोनू की मदद के लिए पोस्ट कर दिया है। पूजा भट्ट ने 11 साल के सोनू के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा है कि जब कोई बच्चा टूटी हुई व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है और ऐसी ही परिस्थिति से जब गुजरता है तो वो तबाह हो जाता है। उन्होंने अपने पोस्ट में सोनू का सीएम से गुहार लगाता हुआ वीडियो भी लगाया है। आपको बता दें कि बच्चे के जनसंवाद में पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गई थी। सोनू के पिता रणविजय यादव दही की दुकान चलाकर घर चलाते हैं। सोनू कुमार ने जनसंवाद में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर कहा था कि उसके पिता दही की दुकान से जो भी कमाते हैं उसका उपयोग वो शराब पीने में लगा देते हैं। बच्चे ने सीएम नीतीश के आंखों में आंखें डालकर शिक्षा की बदहाली का हाल भी बताया था। उसने कहा था कि अगर उसे सरकार की मदद मिल जाए तो वो आगे पढ़ेगा और आगे चलकर वो आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। सोनू कुमार 6ठी क्लास में पढ़ता है जबकि वो 5वीं कक्षा के 40 बच्चों को शिक्षा भी देता है। बच्चे ने कहा था कि सीएम साहब की बात सुनकर उसे आश्वासन मिला है और अब तो अपना सोनू यानी कि नालंदा वाला सोनू मुंबई तक पहुंच गया है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। शुक्रिया।